हेलो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इसके टॉप 10 हिडन फीचर। और फ्रेंड्स, मेरे पास है रेडमी A1, तो यहाँ देख सकते हैं। एंड अभी ओपन करें और इसकी सेटिंग के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट टिप्स ये होता है कि आप उससे शॉर्टकट वॉलपेपर कैसे सेट करें। तो अब उसके लिए आपको होम स्क्रीन को प्रेस करके रखना है एक फिंगर से। एंड इसके बाद आपको यहाँ दिख जाता है वॉलपेपर्स, एंड आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आप वॉलपेपर सेटअप कर सकते हैं। इस प्लस पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से गैलरी में से ऐड कर सकते हैं अगर आपने फ़ोटो क्लिक करे हैं तो। एंड यहाँ से या फिर यहाँ से आप सेटअप कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। एंड देख सकते हैं जो बहुत से आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे कि मुझे अच्छा लगा। एंड इसके बाद ऐसे क्लिक करने के बाद आपको सेट एस वॉलपेपर पे क्लिक करना है। आप होम स्क्रीन पे लगाना चाहेंगे, लॉक स्क्रीन पर, या फिर दोनों पर, तो बहुत यानी कि दोनों। एंड मैं होम स्क्रीन पे सेटअप करना चाहूँगी और इसके बाद इसे होम करते हैं इस तरीके से, तो आपको सक्सेसफुली ये सेट हो जाता है। तो इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म वॉलपेपर सेटअप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, और थीम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप थीम होता है, पर आप सेटिंग से चेंज करना चाहे तो ऐसे नोटिफिकेशन स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे भी सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। एंड इस पर जाएंगे इस तरीके से, उसके बाद आपको यहाँ दिख जाता है थीम्स का ऑप्शन, एंड आप इस पर क्लिक कर देंगे तो थीम्स यही होता है, तो यहाँ देख सकते हैं। एंड और फ्रेंड्स, सेकंड टिप्स ये होता है कि आप जो डिस्प्ले साइज है सो कैसे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं वो बताऊंगी। इसके लिए आपको सेटिंग के ही डिस्प्ले के ऑप्शन में जाना होगा। एंड इसके बाद आपको यहाँ दिखता है एडवांस का ऑप्शन, एंड आप इस पर क्लिक कर देंगे, यहीं पर आपको दिख जाता है फ्रंट साइज़ और डिस्प्ले साइज़। तो पहले हम फ्रंट साइज़ कस्टमाइज़ करेंगे। तो फ्रंट साइज़ मैंने इतना रख रखा है, लॉन्ग जिन्हें देखने में प्रॉब्लम है वो इतना रख सकते हैं, एंड या फिर मैं डिफ़ॉल्ट रख रही हूँ। एंड इसके बाद हम यहाँ से डिस्प्ले साइज़ कस्टमाइज़ कर लेते हैं। डिस्प्ले साइज़ भी सही है, जितना आप रखना चाहें, जितना आपको बेटर लगता है उतना आप रख सकते हैं यहाँ से इस तरीके से देख सकते हैं। एंड तो मुझे इतना रखना है डिस्प्ले साइज़, और इसके बाद बैक करते हैं तो इस तरीके से बैक हो जाएगा। और इस तरीके से डिस्प्ले साइज़ और फ्रंट साइज़ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और गाइस, और सेकंड टिप्स इसी में हो जाता है कि, और ये फर्स्ट मतलब थ्री टिप्स ये इसी में मिल जाता है, डार्क थीम, यानी कि इसको यूज़ भी कर सकते हैं। आप इसे ऑन करते हैं तो आपको यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से ब्लैक हो जाता है ये, और इस तरीके से ऑफ़ करते हैं तो पूरा वाइट हो जाता है, इसलिए ये ऑन किया जाता है। जैसे कि आप रात के समय फ़ोन चला रहे हैं और जितने भी ब्राइटनेस आपकी आँखों पर लगता है जिससे कि आपकी आँखें वीक हो सकती है, इसलिए ऑन किया जाता है ताकि आपका डार्क मोड ऑन हो जाए, जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाए, जिससे कि आपकी आँखें सही रहे। तो जिन्हें आँखों की प्रॉब्लम है इसे ऑन करके रखिए, और जिन्हें नहीं भी है उन्हें भी ऑन करके रखना चाहिए रात के समय खासकर। एंड नाइट मोड का भी ऑप्शन दिया जाएगा यहाँ पर, नाइट लाइट का भी वही ऑप्शन है जैसे डार्क थीम होता है। यहाँ पर बस लाइट नाइट इस तरीके से ऑन करते हैं तो ऐसे स्क्रीन टाइप का दिख जाएगा। तो ये अच्छा लगा मेरे को, डार्क थीम और ये नाइट लाइट का ऑप्शन। एंड यहीं पर आपको दिखता है अगर आपका स्क्रीन दो दो मिनट पर ऑफ हो रहा है और परेशान हो गए तो आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं टाइमर। उसके लिए आपको स्क्रीन डिस्प्ले के ही स्क्रीन टाइम आउट पर ही जाना होगा, और इसके बाद यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। 30 मिनट का मैंने सेटअप कर दी, तो यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से आप टाइमर लगा सकते हैं। तो मैं 2 मिनट का ही सेटअप कर रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से सेटअप कर लेंगे। एंड तो यहाँ से बैक करेंगे और इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं डिस्प्ले की सेटिंग का। और यहीं से आप स्टोरेज चेक कर सकते हैं जितना आपको ये सब करना हो। यहीं से आप अगर आपको लगता है कि बैटरी जल्दी जल्दी ख़त्म होता है, बैटरी पर जाएंगे और यहाँ से बैटरी सेवर ऑन कर देते हैं, जो आपको जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक रहता है। एंड यहाँ देख सकते हैं 90% अबव रहेगा अगर ऑन करके रखते हैं तो। एंड चार्जिंग अबव 90% है। और इसके बाद आपको यहाँ देखते हैं बैटरी परसेंटेज, अगर आपको शो नहीं होता तो यहाँ से, अगर ऑफ है तो कोई बैटरी परसेंटेज शो नहीं होगा, अगर ऑन है तो यहाँ से बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं, 50% मेरे में शो हो रहा है। एंड इसके बाद बैक करेंगे और यहाँ से आप बैटरी परसेंटेज शो कर सकते हैं। अगर किसी ऐप को नोटिफिकेशन ऑफ करना चाहते हैं तो आप सेटिंग के नोटिफिकेशन में जाएंगे, और इसके बाद आपको यहाँ देखते हैं ऐप सेटिंग्स, एंड आप इस पर क्लिक कर देंगे। अगर यहाँ पर 3 ऐप शो हो रहे हैं, अगर और भी ऐप शो करने हैं तो आप मोस्ट रिसेंट इस पर क्लिक कर देंगे। और इसके बाद आपको ऑल ऐप्स पर जाना होगा, और यहीं पर आपको दिख जाते हैं सभी ऐप्स। यहाँ पर किसी भी ऐप का नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं, एंड इस तरीके से ऑफ होता है इस तरीके से ऑन होता है। तो यहाँ पर किसी भी ऐप का नोटिफिकेशन जैसा भी आप बेटर लगता है वैसे ऑफ करके रख लें, एंड उसके बाद बैक करेंगे। और यहीं पर आपको डू नॉट डिस्टर्ब जो इसमें मिल जाता है, और एक साउंड के ऑप्शन में मिल जाता है फ्रेंड्स आपको। एंड डू नॉट डिस्टर्ब इसलिए ऑफ, और ऑफ मतलब ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। इसे ऑन करने से आपका ये होता है, अगर यहाँ से ऑफ करते हैं तो यहाँ पे ऑन शो हो जाता है, देख सकते हैं। इसे ऑन करने से फ्रेंड्स ये फ़ायदा होता है कि अगर आपका मतलब कि साउंड के कारण प्रॉब्लम हो रहा है, आप इसे ऑन करके रखते हैं तो साइलेंट हो जाते हैं सब साउंड, कोई भी साउंड आपको सुनाई नहीं देगा। जैसे कोई कॉल आ रहा है और साउंड लगा हुआ है पर
आपको सुनाई नहीं देगा क्योंकि साइलेंट मोड पर चला जाता है, वो भी डो नॉट डिस्टर्ब की वजह से। अगर ये यहाँ से ऑन करते हैं, यहाँ से ऑफ हो जाता है, जितने भी साउंड जो साइलेंट पे होते हैं, आपको अगर आपको लगता है कि कॉल आ रहा है, अलार्म सेटअप कर रहे हैं तभी रिंग नहीं बज रहा है, तो इसी की वजह से होता है डो नॉट डिस्टर्ब। जैसे ऑफ करके रखेंगे तो जितने भी साइलेंट है वो वाइब्रेट हो जाते हैं। यहाँ से आप रिंग टोन भी चेंज कर सकते हैं, जिसका भी सेटअप करना है अलार्म साउंड का, जैसे कि आपको ऐसे इसका सेटअप करना है तो जो पसंद आता है उस पर क्लिक करके ओके पे क्लिक करते हैं सेटअप हो जाता है। प्लस का निशान इसलिए दिया जाता है, अगर गैलरी में से अगर आपने म्यूज़िक डाउनलोड कर रखा हो तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। एंड इसके बाद बैक करेंगे और यहीं से यही सभी सेटिंग थी जो इंपॉर्टेंट थी। और एक और सेटिंग है सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, वो है और ये वाला कि बैक वाला बटन आप लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं और यहाँ तक कि आप इसे हाइड भी कर सकते हैं। और जब बटन नहीं होता तब कैसे यूज़ करेंगे सब बताने हैं इसी की वीडियो में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दिखता है सिस्टम का ऑप्शन एंड सेटिंग की लास्ट में सिस्टम पर जाएंगे और इसके बाद आपको यहाँ दिख जाता है और ये वाला ऑप्शन और गेस्चर्स का, एंड आप इस पर क्लिक कर देंगे और आपको यहाँ दिखता है सिस्टम नेविगेशन एंड आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिखता है थ्री बटन्स। एंड इसकी सेटिंग पर जाते हैं तो आपको यहाँ दिखता है लेफ्ट एंड राइट, इस तरीके से आप ऐसे कस्टमाइज ये सब कर सकते हैं हाइट लो ऐसे करके। एंड इसके बाद बैक करेंगे और आपको यहाँ दिखता है गेस्चर नेविगेशन में जाते हैं तो आपका जो बटन है वो हाइड हो जाता है, देख सकते हैं। और इस तरीके से बैक किया जाता है, जो एरो दिख रहा है यहाँ से बैक होगा, इधर से भी बैक होता है लेफ्ट एंड राइट से, और इधर से आपका और होम होगा। तो इस तरीके से इस प्रकार से ऐसे रखते हैं तो ऐसे आपको ऐप्स शो हो जाते हैं। और इसके बाद यहाँ से इसको बैक करेंगे तो ऐसे आपको यहाँ से बैक हो जाता है। फिर से सिस्टम में जाएंगे, फिर से और गेस्चर्स पे जाएंगे, यहाँ से फिर से सिस्टम नेविगेशन में जाएंगे और इसके बाद आपको थ्री बटन्स पे फिर से क्लिक करते हैं तो फिर से आपका बटन शो होने लगेगा। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में गेस्चर का यूज़ कर सकते हैं, फुल स्क्रीन गेस्चर कहते हैं गाइस इसे। एंड इसके बाद आपको यहाँ दिखता है गेस्चर मोशन में जाते हैं तो आपको यहाँ वन हैंड मोड का भी ऑप्शन दिया जाता है, जिन्हें एक हैंड से आदत है वो आप यूज़ कर सकते हैं, एक हैंड से आप फ़ोन चला सकते हैं और उसे ऑन करते हैं तब। एंड इस देख सकते हैं इस तरीके से ऑन करते हैं तो ऐसे छोटा सा यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आप यहाँ से छोटा बड़ा जितना आप रखना चाहें यहाँ से ऐसे कर सकते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इसे ऑफ करते हैं, ये होता है वन हैंड मोड शॉर्टकट, यानी कि नोटिफिकेशन ऑन हो जाता है। इसे ऑन करते हैं जब ये दिख रहा है, इसका यूज़ इसलिए होता है ये शॉर्टकट, अगर इसे ऐसे क्लिक करते हैं तो नोटिफिकेशन स्क्रॉल हो जाता है, दोबारा क्लिक करते हैं तो पूरा हो जाएगा इस तरीके से। तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ये भी अच्छा लगा मुझे फीचर्स। एंड इस तरीके से वन हैंड मोड कैसे यूज़ किया जाएगा, स्वाइप डाउन नीचे की साइड करते हैं इस तरीके से साइड ऐसे, और फिर फ्रेंड्स इस तरीके से, तो ये ऑप्शन नहीं हो रहा है बट ऐसे ही इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद बैक करेंगे और यहाँ से ये सब यूज़ किया जाता है। अगर आपका फ़ोन और थोड़ा लैग कर रहा है थोड़ा बहुत, तो आप रीसेट ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ से आप नेटवर्क प्रॉब्लम हो या ब्लूटूथ प्रॉब्लम तो यहाँ से नेटवर्क रीसेट करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एंड और गाइस, और अगर आपका फ़ोन ज़्यादा लैग कर रहा है तो एक बार फैक्ट्री रीसेट करते हैं, यानी कि फ़ोन का रीसेट करते हैं तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इस पर जाते हैं आपको रीसेट करते हैं रेज और डाटा पे तो आपको जो भी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाता है। एंड यहाँ पर योर गूगल अकाउंट ये सब आप ये जो जितने भी चीज़ें ये सब चीज़ें हट जाएगा, एक बार हट गए तो वापस नहीं आता है, ये सब ध्यान दिया जाता है इसके अंदर। और ये सब सेटिंग थे जो मैं आपको बताना था मुझे। एंड ये सभी फीचर्स आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, अब तक के लिए नमस्कार।